मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो कोई मिस ना हो तो बेल आइकन दबाइए। हेलो गाइस, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है श्री वाक्य बिहारी की रसोई में। मेरा नाम रीति है और मैं आप सबको आज साबूदाने की खिचड़ी व्रत में जो खाते हैं वो बताने आई हूँ। और कैसे बनती है ये देखिए आप, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। मैंने साबूदाना पहले से भिगो के रखा हुआ है, इसको भिगोने के लिए आप आधा घंटा बहुत है आपके लिए, आप इसको आधे घंटा भिगो सकते हैं। और मैंने दो टमाटर लिए हैं, आलू लिया है मैंने, बॉइल्ड आलू नहीं लिया है मैंने, कच्चा आलू लिया है, दो छोटे छोटे आलू हैं, मूंगफली है, हींग, जीरा, साबुत एक लाल मिर्च है, हरी मिर्च, हरा धनिया, आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो, मेरे पे नहीं था इसलिए मैं हरा धनिया डालूंगी, लेकिन हरा धनिया से ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। अपना अपना स्वाद है, आपको जो अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं, और सेंधा नमक, क्योंकि व्रत का खाना तो सेंधा नमक में बनता है। चलिए, और मैं इसमें ब्लैक पेपर भी डालूंगी, वो ऑप्शनल है। एक कढ़ाई लीजिए और उसमें आप देसी घी डालिए। मैं देसी घी में ही बना रही हूँ क्योंकि देसी घी में ज्यादा अच्छा स्वाद आता है साबूदाने की खिचड़ी का। लेकिन पहले इसमें मैं मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी। आप लोग रिफाइंड में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मूंगफली लाल हो गई है, इनको निकाल लूंगी मैं, फिर इसी में ही मैं खिचड़ी साबूदाने की बनाऊंगी। अब इसमें मैं जीरा और लाल मिर्च डालूंगी और हींग ऐड करूंगी, और जो आलू मैंने काटे थे वो इसमें जब लाल हो जाएंगे थोड़े से गल जाएंगे फिर मैं इसमें टमाटर डालूंगी, उनको थोड़े से गलने देती हूँ। आलू गल चुके हैं, अब इसमें टमाटर ऐड करूंगी और हरी मिर्च ऐड करूंगी इसमें, और सेंधा नमक अब इसमें डाल दूंगी। गल के हैं तो इसलिए सेंधा नमक पड़ेगा, और आप नॉर्मली ऐसे ही खा रहे हो किसी दिन तो आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, क्योंकि सेंधा नमक तो हमेशा अच्छा ही होता है। अब टमाटर गल जाएंगे फिर मैं साबूदाना डालूंगी इसमें। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए एक तो आप जब भी बनाएं तो देसी घी में बनाइए। देसी घी में जब साबूदाने की खिचड़ी बनती है तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और साबूदाना जब आपको भिगोना हो तो आप उसको कम पानी में भिगोइएगा। अगर आप ज़्यादा पानी ऊपर तक भर देंगे या ज़्यादा पानी डालेंगे तो साबूदाना जो है घुल जाएगा और फिर उसकी खिचड़ी भी अच्छी सी नहीं बनेगी, खिली खिली नहीं बनेगी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि साबूदाने को हमेशा कम पानी में भिगोइए और आधे घंटे एक घंटे के लिए रख दीजिए, वो अच्छे से फूल जाता है। और इससे भी बेटर तरीका ये है कि आप एक दिन पहले साबूदाना भिगो दीजिए और जब वो फूल जाए तो आप उसको फ्रिज में रख दीजिए और उसको दूसरे दिन आप बनाइए, तो इतनी खिली खिली खिचड़ी बनेगी और वो हलवा भी नहीं बनेगी। वो ज़्यादा बेटर तरीका है। आप हमेशा वैसे भी फुला के रख दीजिए साबूदाना अगर फ्रिज में आप, तो आराम से हफ्ते भर में चलता है, खराब तो होता नहीं है। जब मन हो तो आप उसकी खिचड़ी बना लीजिए, जब मन हो तो आप खीर बना लिए, फूला हुआ साबूदाना आपके फ्रिज में ही रखा है। और मैं तो हमेशा इसलिए रखती हूँ फुला के क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए खिचड़ी बनाती हूँ, तो कभी खीर बनाती हूँ या पकौड़े बनाती हूँ, तो मुझे फूला हुआ मिल जाता है। जब मेरा मन करता है तो मैं उसे निकालती हूँ और बना लेती हूँ आराम से, बल्कि ज़्यादा अच्छा रहता है। आप ये कर सकते हैं। अब इसमें आप साबूदाना ऐड करें,
और ब्लैक पेपर और इसको चलाएंगे। आप देखिए कितना खिला खिला साबुदाना है और कितनी अच्छी लग रही है खिचड़ी, है ना। ये मेरा जो साबुदाना है एक दिन पहले का भीगा हुआ है, इसलिए आप अगर ये वाली ट्रिक अपनाएंगे कि एक दिन पहले भिगो के रख दोगे आप तो बहुत अच्छी बनती है खिचड़ी। बस अपने लड्डू गोपाल की इसमें से निकाल लूंगी, फिर मैं लाल मिर्च डालूंगी, हरा धनिया डालूंगी, ये आपने इसमें मिला दिया, थोड़ी सी देर इसको ढक दीजिए। अब आप इसमें धनिया डाल दीजिए और मूंगफली ऐड कर दीजिए। कितनी बढ़िया बनी है खिचड़ी, और इसमें हम लाल मिर्च डाल दूंगी क्योंकि देखिए मैंने अपने लाल अच्छी निकाल ली है, इसके बाद मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ इसमें। इसे हमेशा सारा खाना लाला के ऐसे ही निकाल देती हूँ। जो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं वो लोग ये ऐसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप लोग इसमें नींबू भी नहीं तोड़ सकते हैं, मैंने देसी टमाटर डाले हैं तो वो ऑलरेडी खट्टे हो चुके हैं। और इसको आप खाओगे कैसे, ऐसे भी खा सकते हो आप लोग। वैसे दही के साथ आपने कभी खाया है, खा के देखिएगा, दही के साथ बहुत टेस्ट आता है। मेरे मुंह में तो आपको पता है बनाते बनाते ही पानी आने लगता है। जल्दी से बनाऊंगी फिर मैं भी खाऊंगी एक कटोरी दही और खिचड़ी। वाह क्या स्वाद आ रहा है, और तन में हरी मिर्च आ रहा है ना मुंह में पानी। तो चलिए अगर आपको मेरी ये खिचड़ी पसंद आई है साबुदाने की तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। राधे राधे।